नमस्ते एंड वेलकम पीपल बैक टू द चैनल। तो जो मेरी पिछली राइड थी जब मैं नथा टॉप गया था, तो उसके बाद जो मेरी बाइक की चेन थी वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि बाइक की चेन टाइट कर रहा हूँ तो एक व्लॉग बना देता हूँ, एंड क्योंकि ये मोटो व्लॉग का पार्ट है एंड आपको पता होना चाहिए चेन वगैरह कैसे टाइट की जाती है। तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एंड करते हैं चेन टाइट। चेन को भी 12 सेंटीमीटर तक वो होना चाहिए प्ले, पर ये बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं तो 15 के ऊपर होगा। तो इसकी वजह से चेन के जो ये टूथ होते हैं, ये वाले टूथ होते हैं, जो ये टूथ दिख रहा है आपको, ये ख़राब होता है। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से हम लोग चेन टाइट करते हैं। तो मैं आपको चेन का टाइट करने का प्रोसीजर पूरा बताता हूँ। वीडियो को सिंपल बनाने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, हमें चाहिए है 24 नंबर की चाबी, 19 नंबर की चाबी एंड 32 नंबर की चाबी, बस ये तीनों चीज़ें चाहिए हैं। उसकी वजह उसकी और ये चीज़ें हों हमारे पास तो आराम से हमारी चेन टाइट हो जाएगी। पहले तो जो मेरे पास टपारिया की गोटी रॉड है, इनको कहते हैं गोटी, सस्ती होती हैं सब चीज़ें, आपको रखनी चाहिए एंड अगर आप टूरिंग वगैरह करते हैं तो आपके पास स्पेशली ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले खोलते हैं 24 नंबर का नट। तो ये रहा 24 नंबर का नट, आपको मैं पास से बता दूंगा, ये है 32 नंबर का नट, खोलने की जरूरत नहीं, खाली लूज करना है आपको। और ये रहा 19 नंबर, ये रहा 19 नंबर। तो मैं आपको पास से बताता हूँ, स्पेशली आपके पास बाइक होनी चाहिए, किसी की बाइक में ट्राई करना पहली बार जब कर रहे हो वीडियो देख के साथ साथ में पॉज कर करके अपनी बाइक पे ट्राई करना। तो अब आपको मैं पास, आपको इसके नंबर दिख रहे होंगे, ये हैं इसके टूथ, ये अब आपको इसके नंबर भी दिख रहे होंगे, ये 15 है, हमें इसको करना है 16 पे, क्योंकि ये चेन बहुत ज़्यादा लूज़ है तो उसको मैं 16 पे करूँगा तो उसकी वजह से टाइट हो जाएगी। तो अभी हमने क्या क्या किया, 24 नंबर का नट लूज़ किया, ये इसके पीछे 32 नंबर, ये रहा 19 नंबर, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस था और अब मैं आपको बताता हूँ इसको टाइट कैसे करते हैं। थोड़ा सा टायर को बाहर की तरफ करेंगे तो ये आया, ये हो गया 16 पे, ठीक है, यहाँ से हो गया 16 पे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है 15, ये है 16 नंबर, ये 16 नंबर पे हो चुका है। अब आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, यहाँ से इसको भी 16 नंबर पे करेंगे, ये है यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, ये सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, खोलना कुछ नहीं है, सिंपल वही करना है चीज़ें। यहाँ पे भी 16 पे सेट होगी, अब चलो उस साइड चलें, उस साइड से भी आपको बता दिया। एंड सिंपल बनाने के लिए मैंने ये जो सिलेंसर है ये रिमूव किया, उसके लिए भी कुछ नहीं, अगर सिलेंसर रिमूव करके आसानी हो जाए पहली बार अगर आप सीख रहे हैं तो, ये 15 नंबर का नट है, यहाँ पे 10 नंबर का नट होता है, उसको लूज करेंगे तो सिलेंसर बाहर आ जाता है। तो ये छोटा सा काम था और वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है लगभग, बस अब हम इनको टाइट करेंगे वापस। तो ये थे इतने से प्रोडक्ट जिनकी वजह से हम लोगों ने चेन टाइट कर दी। तो इसी के साथ मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि आपको चेन क्यों टाइट करनी चाहिए प्रॉपर। अगर आपको ये चेन वाले सिस्टम की लाइफ ज़्यादा चाहिए तो आप प्रॉपर टाइम पे टाइम चेन टाइट करेंगे, इसको प्रॉपर लूप करेंगे तो ये अच्छे से चलेगी और ज़्यादा देर चलेगी। और ये जो उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं टीथ पे, अगर आपने ये गलत किए तो इसकी वजह से क्या होगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसकी वजह से जो जितने भी आपके टीथ हैं जिसकी वजह से चलती है, ये जो टीथ होते हैं अंदर इसके ऊपर चेन लगी होती है, सारे के सारे टूट जाएंगे। तो ध्यान रखना जो नंबर आपने इस साइड, जैसे मैंने यहाँ पे 16 रखा है तो उस साइड पे भी 16 रखा हुआ है, तो ये गिन के आराम से करें ये काम और ये टाइट पूरा ध्यान से करें।
और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी टॉपिक पे, जो बाइक की मेंटेनेंस के जो टॉपिक पे होगी, उसमें हम चेन ल्यूब करना बताएंगे कि कैसे चेन ल्यूब करनी चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो सही रहेंगे इस बाइक के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊँ बाइक की मेंटेनेंस के बारे में, राइड वगैरह पे कैसे मेंटेन की जाए बाइक, तो आपको एक अच्छा सा कमेंट करना होगा और बताना होगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है रास्ते में, कभी आप गए हो टूर पे, क्या क्या अनबन हुई है आप लोगों के साथ। और इसके साथ एक स्पेशल टिप आप लोगों को, जैसे ही अगर आप ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, आपके हाथ ये थोड़ा ग्रीस वगैरह लग गई हो, तो आप सिंपली जो निरोल साबुन होता है, जिसको देसी साबुन बोलते हैं कपड़े धोने वाले, उससे अगर आप हाथ धोएंगे एक बार में आपके हाथ क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ एक्सप्लोरर फुकरे। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।